और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी रामनगरी अयोध्या में अपना 80वां जन्मदिन मनाएंगे। आज सुब्रमण्यम स्वामी सुबह रामलला का दर्शन करने पहुंचे। इसके साथ ही स्वामी ने कांची पीठ शंकराचार्य के आश्रम में हवन पूजन भी किया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां राम की नगरी में सुब्रमण्यम स्वामी नजर आए और अपना 80वां जन्मदिन मनाने वो वहां पहुंचे। स्वामी यहां कार सेवकपुरम में गौ पूजन करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण पर बोलते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम जब चाहें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। विवाद तो केवल 0.3 एकड़ जमीन का है, बाकी 67.4 एकड़ का क्षेत्र अविवादित है जिस पर मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। मैं इसीलिए रुक गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे कहा कि मेन मैटर को ही फैसला कर लेते हैं। इसको हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतने वाले थे, क्योंकि सारी बातें जो सुप्रीम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुविधा उपस्थित कराने उपलब्ध कराने के लिए कहा था उसमें कोई जवाब नहीं था। और ऐसे ही किसी ने उसको खड़ा कर दिया और उसने उसके पास कोई आपत्ति का बात भी नहीं थी। लेकिन फिर ये सुझाव आया कि आप मेन मैटर में क्यों नहीं आते, और उसमें मैंने फिर नया रास्ता ढूंढा। वो है मूलभूत अधिकार, वो पहले किसी ने बोला नहीं था या बहस में लाया भी नहीं था।